देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सरकारी नौकरी ना मिलने पर किया भाजपा का विरोध। आपको बताते चले कि सरकारी नौकरी ना मिलने के विरोध में यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जुलूस निकालते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इनका कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियों के लिए परेशान होते हैं कि सरकारी नौकरी हम लोगों को मिल जाए, लेकिन भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। इतनी पढ़ाई लिखाई और मेहनत करने के बाद अगर किसी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शक्ति फार्म में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस बीच दीपक विश्वास ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सरकारी नौकरियां खोले, वरना हम इस आंदोलन को और उग्र रूप से लेकर चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सरकार के विरोध में है, मोदी सरकार के विरोध में है, देश में जो बेरोजगारी, जो अराजकता पैदा हुआ है उसके विरोध में है, क्योंकि पढ़ लिख कर अगर लड़के घर बैठे रहें, माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाते हैं बच्चों को एक आदत सरकारी नौकरी के लिए, आज बीजेपी सरकार ने घोषणा कर दिया है कि सरकारी नौकरी जो है ख़त्म किया जाता है, आगे से कोई सरकारी नौकरी सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। इसके खिलाफ जो है आज शक्ति फार्म ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से हम लोग एक जुलूस निकाल रहे हैं और साथ में जो है केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो निर्णय लिया है इस निर्णय को सरकार तुरंत वापस ले और सरकारी नौकरियां को जो है खोले और जितने भी युवा हैं इनको नौकरियां प्रदान करें। इसके सरकार के खिलाफ में हम जुलूस निकालने जा रहे हैं। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।